What am I doing here in the jungle? Well, from here, we are going on a new adventure. And this is where it's going to end. But the journey to reach here is very interesting. And that's what I'm going to show you in this series. Back to Kashmir. अब यहाँ से एक बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट हो रही थी. It's a 1 month long travel to Kashmir and Ladakh. बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल सीरीज होगी ये. तो सबसे पहले जो हमने प्लान किया है वो है तारसर मार्सर ट्रैक इन कश्मीर, और ये है एपिसोड नंबर 2 इस जर्नी का. इसलिए फर्स्ट एपिसोड से थोड़े बहुत ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ. सही है क्या? सही है. ताकि आप इस जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट से एंजॉय कर पाए. तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं. हम पहुंच गए हैं हाउस बोट. आज का हमारा स्टे यहीं का होने वाला है. ट्रैकिंग की प्लानिंग पूरी हो चुकी है कल निकलने की. पूरा दिन ट्रैवल करके मैं बहुत थक गया हूँ. सुबह 5 बजे चला था, अब जाके फाइनली मैं हाउस बोट में पहुँचा हूँ. यहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद लेट्स सी देखते क्या है आज का सीन. तो लेट्स गो इनसाइड. इतने सालों में मैं कश्मीर कभी नहीं आया, और पहली बार मैं कश्मीर आया विंटर्स में. मुझे कश्मीर से इतना प्यार हो गया कि मैं उसी साल अब दूसरी बार आ रहा हूँ. पहले विंटर आया था, अब समर में आ रहा हूँ. बट इस बार का जो ट्रिप है वो एक महीने का ट्रिप है, और मैं सारी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे जाने वाला हूँ, ट्रैक्स पे जाने वाला हूँ, और कुछ कुछ ऐसी वैली हैं जहाँ पे कम लोग जाते हैं वहाँ पे जाने वाला हूँ. ऐसी अलग काइंड ऑफ कश्मीर एक्सप्लोर करना है, और इस वेदर में एक्सप्लोर करना था मुझे समर में. सो अभी जो मेरी ट्रिप की शुरुआत है वो असली में ट्रैक के साथ स्टार्ट होने वाली, जो कि है तारसर मार्सर ट्रैक. और हम वो करने वाले हैं, कल से शुरू करेंगे. कल हम यहाँ से पहलगाम निकलेंगे, और वहाँ से फिर उसके आगे हमारा ट्रैक शुरू होगा. और हम खुद से जा रहे हैं वहाँ पर. काइंड ऑफ अलग होने वाले कुछ एक्सपीरियंस. और उसके बाद फिर हम जाएंगे गुरेज वैली, जो कि मैंने बहुत सुना है बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है, बट बहुत कम एक्सप्लोर प्लेसेस में आता है वो. वहाँ जाके एक्सप्लोर करने वाले, वहाँ जाके कुछ दिन रहेंगे, फिर वापस आएंगे. फिर वापस आने के बाद यहाँ से लद्दाख निकलेंगे, और लद्दाख के बाइक ट्रिप पर जाना है. तो देख रहे हो इतना कुछ हुआ है. After having lunch in the main Pahalgam area, finally we are heading to our hotel, which has a beautiful valley view, which I'm going to show you now. पहुंच गए अपने यहीं से. हम सुबह निकल जाएंगे, सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, जितना जल्दी अर्ली हो सकता है, ताकि हम काफ़ी कवर कर लेंगे दिन में. It was peaceful reaching here, you know, far from the main city area. Okay, let me ask you one question. Have you ever been to such isolated locations? Like maybe a trek of 4 to 5 days, which we are going to do. You know, the experience is going to be totally different. आप भूल जाते हो अपनी सारी problems और बस उस लम्हे में enjoy करते हो. मुझे यही दिखाना है आपको इस ट्रैवल सीरीज में. वी आर ऑल सेट टू गो.
आई नो हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हमने प्लान किया था हम 5 बजे निकलेंगे बट हम 8 बजे निकल रहे हैं, तो हम रात को लेट सोए थे तो अभी हम लेट निकल रहे थे। ये ऐसे ही एडवेंचर होने वाला है, मतलब हम खुद ही डिसाइड करने वाले, तो ये अच्छी बात है ट्रैक की कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा हम डिसाइड करेंगे वैसा हो जाएगा। तो अभी 8 बज चुके हैं गाइस, हम 8:30 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, और आज का ट्रैक इतना लंबा भी नहीं है, तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा डिले भी कर सकते, थोड़ा लेट उठ जाते, जस्ट यू नो रिलैक्स फॉर अ वाइल, लेट्स गो इन सम टाइम हैव ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हम रेडी होकर फिर से तैयार होकर निकलते हैं। तो अब हम बन गए प्रॉपर ट्रैवलर विद कैब एंड एवरीथिंग, ट्रैक बस स्टार्ट होने वाला है, वी जस्ट वेटिंग फॉर द कार, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे पहलगाम से, हम यहाँ पहलगाम से आई गेस आरू वैली जाएंगे पहले, और उसके बाद हम जाएंगे लिटरवट जो कि हमारा आज का पहला बेस कैंप होने वाला है। आई गेस 3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे का ट्रैक होगा शायद, है ना, 3-4 घंटे का ट्रैक होगा, और वैली व्यू एकदम खूबसूरत हो गया है, चारों तरफ धूप ही धूप। हम एक्सपेक्ट करते बहुत ज़्यादा बारिश होगी पर दानिश भाई ने हमको गलत बता दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज जो लेट हुआ ये अंकित भाई की वजह से हो गया, इन्होंने बोला था हमें कि 5 बजे उठने के लिए, हम रेडी थे बट पता चला अंकित भाई लेट हो गए। जी रहे साफ साफ झूठ दिख रहे ना फेस पे, साफ झूठ। हमारा सिक्योरिटी गार्ड ने लेट किया भाई, मैं 5 बजे उठ गया था, बोलो अंकित भाई 5 बजे 5 बजे उठे थे, कुछ भी बोल रहे नहीं उठा था। सो जो असल में 5 बजे उठे थे वो यूसुफ भाई थे, यूसुफ भाई हमारे गाइड होने वाले आज के, यूसुफ भाई विल बी आवर टूर गाइड। हेलो यूसुफ भाई, कैसे आप? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप हमें लेके जाने वाले हो ट्रक पे? जी। कितनी बार जा चुके हैं आप ट्रक पे? 5-6 बार जा चुके हैं। 5-6 बार जा चुके हैं, चलो अच्छी बात है। सो आज का ये पूरा लुक है। ये हमारा सामान जा रहा है सारा के सारा, ये रिजॉर्ट। 4 मेन फेसेस है, ये फर्स्ट फेस है, हेलो हेलो, ये सेकंड फेस है, हेलो, ये थर्ड फेस है, हाय, और ये मेन होस्ट है आपका वीडियो का, हेलो ट्रैक लीडर, हैवी ट्रैक लीडर, हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर। हाँ, इसे लगा लो सनस्क्रीन। बाय बाय। लास्ट टाइम जब मैं आया था फरवरी में और अभी जब आ रहा हूँ पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, एकदम अलग ही ब्यूटी दिख रही है इस टाइम, तो पहाड़ ऐसे खुले खुले, ओहो हो, मज़ा आ रहा है इस बार। अभी हम जा रहे थे आरू वैली जहाँ से असल में तारसा मार्शल ट्रैक स्टार्ट होगा, 4 से 5 दिन का ट्रैक होता है ये, और वहाँ पे 2 लेक्स हैं तारसर और मार्शल, जिसके बारे में मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहली बार था जब हम पूरा ट्रैक खुद से करने वाले थे। वैसे अगर आप कश्मीर घूमने आते हो तो पहलगाम में ये 2 जगह बहुत सुंदर है, आरू वैली और बेताब वैली। यू नो आरू वैली पहुँचने तक का सफ़र बहुत ही अच्छा था और अब बस थोड़ा ही वक्त बचा था सबसे डिस्कनेक्ट होने के लिए और इन खूबसूरत वादियों में कहीं खो जाने के लिए। यहाँ पे हम मार्केट में आए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, अब मफलर ले रहे हैं, आई गेस ठीक लग रहा है। एक ये लिए और एक ये छोटा वाला, पानी की बॉटल्स ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ड्रिंक्स ले रहे हैं पीने की, एंड लिप बाम ले रहे हैं, छाता ले लिया है कि ना बारिश हो, तो सारा सामान हमने रख लिया है। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द ट्रैक। अब यहाँ से जो सफ़र है ना वो बहुत मुश्किल और लंबा होने वाला था, पर हम कम थोड़ी ना, हम भी पूरे तैयार थे इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो पीछे आपको आरू वैली दिख रही होगी, आरू वैली में पहुंच के यहाँ से तारसा मार्शल का ट्रैक स्टार्ट होता है, चलते एकदम
अभी एकदम चल के है ना तो सांस छोड़े पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। हेलो, ये देखिए ये हमारा व्यू, हमारा ट्रैक, ऑल क्लियर भाई। सिक्योरिटी हमारी क्लियर है आगे, और आगे जाके यूसुफ भाई ने हमारे लिए टेंट्स भी लगा के रखे हैं। तो अब जाते ही मैगी चाय कुछ भी। You'd be one of a kind, the best I'll ever find, always making something out of nothing much. Oh, you're everything I need, you're the promise that I keep. I guess गर्मियों के टाइम में ना प्यास भी ज्यादा लगती है। एक बात तो है, गर्मियों के ट्रैक की बहुत सुहाना सा, यू नो, स्वीट सा, जैसे प्यारा सा लग रहा है। धूप पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, यही अब हम सर्दियों में होते ना ऐसे हालत ख़राब हो गई होती। आई गेस बहुत टाइम बाद 2017 में मैंने हम तपस ट्रैक किया था गर्मियों में, और उसके बाद अब जाके तारसर मारसर वो गर्मियों में, विंटर में गए मैंने ट्रैक सारे। कितनी दूर हो गए फर्स्ट पॉइंट? अभी तो 10 किलोमीटर है भाई। कश्मीर के ट्रैक की बात ही अलग, देख रहे हो क्या बड़े बड़े खुले खुले पेड़ है विद वैली व्यू खुले हुए। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, लेट्स गो। वैसे पता है इस जगह पे हमें ऐसा लगा कि हमने आज का आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, पर फिर पता चला अभी तो आधा सफ़र ही हुआ है। तो हमने ज़्यादा ना सोचते हुए और रास्तों पे रुक रुक के मज़े करना शुरू किया। पर फिर थोड़ी देर में एहसास हुआ कि मज़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं और मंजिल बहुत दूर है बाबू। तो अभी हमने पता है एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया, और मुझे ट्रैक में इसलिए ही बहुत मज़ा आता है कि बिना नेटवर्क के हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह होते हैं और अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू रियली कनेक्ट विद समवन। खाने पीने की, हाँ, मतलब अपने हिसाब से की, हाँ, वही ना, जो भी जूस ले लिया एंड जहाँ पे भी शूट करने का मन किया वहाँ रुके, हाँ, वही। तो वो बेस्ट चीज़ रहती है एज एन इंडिपेंडेंट। वैसे तुम ग्रुप में जाते हो तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एक यू नो शेड्यूल फॉलो करना, तो जो कि जरूरी है आपको, हाँ, जरूरी है, वही उसका अलग अपना मजा है। और जर्नी काफ़ी बड़ी है आगे, बहुत जर्नी है, 4-5 दिन। ये तो अभी हमने 3 घंटे हुए चलते हुए आई थिंक, और अभी आगे और 1-2 घंटे चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ट्रैक करने में एक चीज़ और भी मज़ा आता है कि हम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हमारा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक टेंशन जा चुकी है लाइफ से। मैं 3 घंटे पहले इतना स्ट्रेसफुल था कि काम आ रहा था, मेरे को कॉल जा रहे थे, अंकित भाई को पता है कितने आज तक, जब तक मेरा नेटवर्क गया नहीं तो अभी मैं भी थोड़ा रिलीव हो गया। वही तो बात है भाई, जो फोन नहीं चला में चीज़ें थी वो पीछे ही छोड़ दी, वहीं से शुरू करेंगे जब वापस आएंगे तो। हाँ, ये एक मजा आता है, आप रीसेट हो जाते हो ना और नई नई चीजों के बारे में सोचते हो कि क्या कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तो आई विल स्टार्ट फ्रेश विद द फुल थ्रोटल एनर्जी, यस, पॉजिटिविटी। तो अभी हम जंगल वाले रास्तों को पार करके एकदम खुले वाले इलाके में आ गए हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, धूप बहुत तेज लग रही है, सुबह लग रहा था क्लाउडी होना चाहिए, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो भी है। और मुझे पता नहीं था अब, बट आज का हमारा फर्स्ट डे का जो ट्रैक है वो 10 किलोमीटर का है, और अभी 5 किलोमीटर आधा हुआ है सिर्फ अभी तक, एक बन चुका है। लेट्स गो गाइस, ब्रो, हाउ इज जोश? हाय सर, हेलो। Thank you.
जानता हूँ कि ट्रैक करते वक्त थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, मगर जब आप एक पहाड़ क्रॉस करके बिल्कुल टॉप तक पहुँचते हो ना, तो उस वक्त की फीलिंग मैं बता नहीं सकता, बस वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। वाह, ट्रैक का अगला फेज शुरू होना था, क्योंकि आधा रास्ता पूरा हो चुका था और थोड़ा रेस्ट टाइम लेने का टाइम भी आ चुका था। और एक बात, यहाँ से आपको बहुत सारे ओपन मेडोज दिखेंगे। अब हम कहीं नहीं रुकने वाले, हमने यहाँ पे कम से कम 1 घंटा रेस्ट किया होगा, शूट किया होगा, और अभी 2 बज चुके। जब भी आप ट्रैकिंग पे आ रहे हो ना, ऐसी कैब ज़रूर लेके आना। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी कैब ली और अब मुझे आज इसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। धूप एकदम फेस पे नहीं आ रही है, टैन होने का बहुत कम चांस है, ये ज़रूर रखना। और एक ये भी, अगर फास्ट चलना है तो इससे बंदा फास्ट चल सकता है बहुत। यहाँ के मेडोज कितने प्यारे हैं, चारों तरफ एकदम खुले वाले एरिया, लुक अराउंड। वाओ, इतने खुले खुले एरिया, सो ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। भाई लगता है ऊपर मौसम बिगड़ा हुआ है पूरा। देखो हमारे कुछ दोस्त पीछे रह गए थे। लव यू कश्मीर, बहुत मजा आ रहा है। बहुत सीनिक हो रहा है व्यू, मेडो बहुत मस्त है। आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह। माय ग्लेशियर वाटर, इट्स वेरी क्लीन। एग्जैक्टली, पीछे देखो पूरा मेडो है। जब मैं इन वादियों से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक बहुत बड़े मूवी सेट पे हूँ, और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ के सारे अच्छे मोमेंट्स मेरे ख्यालों में आ रहे हैं और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था। और अब सोचो कि ऐसे लैंडस्केप्स हर 15-20 मिनट में बदल रहे थे, तो सोचो क्या ही फील होगा। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, हर चीज बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं कह रहा हूँ ये रिले विले, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बकवास है, असली जगह तो ये है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि इतने अच्छे अच्छे वॉइस ओवर में कैसे लिखता हूं, तो ये लम्हा इस बात का जवाब है।
जब आप अपने आप से पूरी तरह कनेक्ट होते हो ना, जैसे मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, देन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे रहते हो? कब से रहते हो यहाँ पे? बोलो बोलो। एक दो महीना हो गया तो अभी यहाँ पे करते क्या तुम? घास चरते हैं। वहाँ आरू वैली में नहीं है? आरू वैली में ना तुम्हारा घर, और यहाँ भी है ऊपर। चलो अच्छा है। टाइम पास कैसे करते हो? क्या करते हो पूरा दिन? पहाड़ों पे खेलते रहते हो? क्रिकेट विकेट खेलते, वॉलीबॉल क्रिकेट। अच्छा वहाँ पे मज़ा आता है? यहाँ मज़ा कि पहलगाम में आगे श्रीनगर, यहाँ ज़्यादा मज़ा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, मौसम या यहाँ का क्या लगता है? अच्छा कि शांति है, मौसम क्या बादल बादल होते हैं, बारिश बारिश है, अच्छा लगता है? नाइस। बस पहुंचने वाले हैं, 10 किलोमीटर हो गए हैं। भाई चारों तरफ नज़ारे देख रहे हो, क्या ब्यूटीफुल है। हमारा कैंप, वू, वी डन इट फॉर द डे वन। जब मेरी पहली नज़र उस कैंप में पड़ी ना, तो मुझे लगा कि हम पहुंच गए, और मैं बिल्कुल भागा भागा गया। मगर फिर पता चला कि अभी तो एक रिवर क्रॉस करनी है, उसके बाद जाके हमारा कैंप आएगा। तो फाइनली हम रिवर क्रॉसिंग पे पहुंच गए थे, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी पहुंच चुके थे बेस कैंप पे, और व्यूज़ को कैप्चर करते करते मैं पीछे अकेला रह गया था। बट यू नो इट वॉज टोटली वर्थ इट। फाइनली पहुंचने वाले, बस रिवर क्रॉस करना है। ऑलमोस्ट पहुंच गए, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। फाइनली 5:30 बज चुके, और हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पे। और तो फील हो रहा है, चारों तरफ एकदम व्यू ही व्यू है, मतलब कमी नहीं है। वाह, अब रेस्ट करेंगे भाई, रेस्ट करेंगे। ये देखो कैंप, चेक आउट योर कैंपिंग। कैंप साइट पहुंच गए फाइनली, एट द बेस कैंप लेटरवुड। यो चेक आउट कैंप साइट फॉर चीयर्स। तो इस ट्रैक का पहला दिन
यहीं ख़त्म करते हैं। बस अब हम लोग आराम से बैठेंगे, मस्ती करेंगे और कल के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे अपने फाइनल बेस कैंप पे जाने के लिए। और अगर आपको यहाँ तक का एपिसोड अच्छा लगा है ना, तो आई एम श्योर अगला एपिसोड तो बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा और सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बताओ 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 भागी गया इसी में घोड़ा नहीं भाग रहा खाना है आज का।